दोस्तों गूगल की पेरेंटल कंपनी जिसका नाम है अल्फाबेट, वो काम कर रही है एक ऐसे वेयरेबल डिवाइस पे जो कि डिटेक्टिव जैसे डिवाइस के तरह ही आपको लगेगा। दरअसल इसके प्रोजेक्ट का कोड नेम है वुल्वरीन, जिसके अंदर एक खास तरीके का इन एयर डिवाइस तैयार किया जाएगा जिसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। किसी भी भीड़ भड़कके वाले इलाके में चले जाओ आप, वहां पर अगर आपको किसी स्पेसिफिक वॉइस को सुनना है तो वो आप सुन पाओगे। मान लो आप किसी के साथ में जाते हो और उसकी वॉइस ही आपको सुननी है, उस भीड़ की आवाज़ आपको नहीं सुननी है, तो इस डिवाइस को लगाते ही आपको सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई देगी और बाकी के जो क्राउड की आवाज़ होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी आपको ये डिवाइस लगाते ही। दरअसल इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अभी भी कर रहे हैं लेकिन शायद आपको ध्यान नहीं होगा। दरअसल आप जब अपना मोबाइल यूज़ करते हो या फिर कोई ऐसा माइक्रोफोन यूज़ करते हो जो कि आप बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में लेके चले जाते हो, लेकिन जब आप उस माइक के अंदर बोलते हो तो सारी जो क्राउड की नॉइज़ होती है वो कम हो जाती है नॉइज़ कैंसिलेशन के द्वारा और आपको सिर्फ उसी बंदे की आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो कि उस माइक में बोल रहा होता है। तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इसी तरीके से काम करेगा जो कि आपको सिर्फ उस स्पेसिफिक बंदे की ही आवाज़ सुनवाएगा। और यहाँ पर दोस्तों स्नैपड्रैगन एक साउंड की नई टेक्नोलॉजी लेके आने वाला है सबसे पहले शाओमी के डिवाइसेस के लिए। मतलब उन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले शाओमी के डिवाइसेस में आएगी, उसके बाद ऑडियो टेक्निका में आएगी और बाकी के डिवाइसेस में भी आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन नंबर वन पर रहेगा यहाँ पे शाओमी। इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी होगी, पेयरिंग और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी जो भी ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के साथ में करते हैं, और इसी के साथ साथ साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो भी वायरलेस ईयरबड का यूज़ करते हैं या फिर हेडसेट का यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ में, उनको क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड मिलेगी इससे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि स्नैपड्रैगन के कौन से प्रोसेसर के साथ में आ सकते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि 8 सीरीज़ के जो चिपसेट होंगे उसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द, जिसके लिए उनका एस्ट्रोनॉट का जो क्रू है वो ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर चुका है। यहाँ पर ये अपना पहला कोर मॉड्यूल क्रिश्चियन टिहान इस मंथ या फिर अगले मंथ तक लॉन्च कर देंगे जो कि स्पेस में अर्थ को ऑर्बिट करेगा, और ये इनके 11 मिशन में से पहला मिशन होगा और इस तरीके के 10 मिशन और होंगे इसके बाद में खुद का स्पेस स्टेशन स्पेस में तैयार करने के लिए, जिसमें चाइना के ही एस्ट्रोनॉट रहेंगे और ये खुद की कंट्री का परमानेंट स्पेस स्टेशन भी होगा इनका। दोस्तों आपने एक खबर तो जरूर सुनी होगी कि ड्रोन के द्वारा मेडिकल सप्लाईज भी इधर से उधर भेजी जाएंगी। वेस्ट अफ्रीका के अंदर घाना नाम की एक कंट्री है जो कि रूरल एरिया में जहां पर इतनी आराम से कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां पर जिपलाइन नाम की कंपनी एक अपना ही ड्रोन मेडिकल इसको भेजने के लिए यूज कर रही है, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन हो। तो वहां पर तो इसका यूज अब शुरू भी हो चुका है, मतलब कि वहां पर जरूरत है एक्चुअली में इसकी, क्योंकि वहां पर इतनी आराम से चीजें भेजी नहीं जा पा रही जिसकी वजह से ये 6 फुट का ड्रोन वहां पर मेडिकल सप्लाईज को ड्रॉप करके आ जाता है वापिस। वैसे तो दोस्तों एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि भैया टीवी अब काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, खासतौर पे एलईडी की अगर बात की जाए, तो मतलब कि हम मतलब बड़े साइज़ का टीवी एक अच्छे खासे कम रेट में ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं, अगर आपको लेना है तो भैया 1 अप्रैल से पहले ले लेना, क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज आ चुकी है टीवी पैनल्स की, जिसकी वजह से टीवी के प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। करीबन 2000 से लेकर 4000 के बीच में इसके प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीवी पैनल की एक भयंकर शॉर्टेज आ चुकी है सारी दुनिया के अंदर। दोस्तों आज के वक्त में जब भी कोई बंदा नया मोबाइल लेने की सोचता है तो वो अक्सर ये चीज़ देखता है सबसे पहले कि भैया इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी होगी। तो यहाँ पर सैमसंग ने आइसोसेल 2.0 नाम का एक और नया सेंसर तैयार कर दिया जो कि नेक्स्ट जनरेशन सेंसर रहेगा। दरअसल गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के अंदर जो सेंसर यूज़ किया गया उसके अंदर 0.8 माइक्रोन है, लेकिन अब जो ये सेंसर आया है उसके अंदर 0.7 माइक्रोन है, जिसकी वजह से और लाइट ये कैप्चर कर पाएगा और इसी के साथ ऑल डिटेल आपको मिल पाएगी अपनी इमेज के अंदर जो भी आप इस सेंसर के थ्रू कैप्चर कर पाओगे। ये एक नई टेक्नोलॉजी का सेंसर है जो कि और ज़्यादा लाइट लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा बाकी लाइटों को, और इसकी वजह से आपको इंप्रूव क्वालिटी मिलेगी, इंप्रूव शार्पनेस मिलेगी, और सबसे खास बात यह रहेगी कि भैया लो लाइट के अंदर भी ये अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा आज के करंटली जो सेंसर मौजूद है उनसे। और यहां पर दोस्तों iOS डिवाइस यूज करने वाले यूजर्स के लिए एक 14.5 की जो अपडेट आएगी उसके अंदर खास बात यह होगी आपके लिए कि आप डिफॉल्ट म्यूजिक सर्विस को चेंज नहीं कर पाओगे। जी हाँ, आप दूसरी सर्विसेज को यूज तो जरूर कर पाओगे लेकिन उनको डिफॉल्ट पे सेट
नहीं कर पाओगे, आपको बार बार उन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा और डिफ़ॉल्ट में जो रहेगा वो वही रहेगा जो कि iOS डिवाइस के अंदर आपके पास में आया है। दोस्तों COVID-19 के बाद में आजकल ऑनलाइन स्टडी हो रही है जिसके लिए कई सारे बच्चों को लैपटॉप की ज़रूरत होगी, तो इसी चीज़ को देखते हुए जियो भी अपना जियो बुक बहुत ही जल्द लेके आ सकता है। दरअसल ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि यहाँ पर ये जियो OS को यूज़ कर सकता है अपने इस लैपटॉप के अंदर, जहाँ पर जियो की एप्लीकेशन भी इसके अंदर चलेगी और इसमें स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट को यूज़ किया जा सकता है। दरअसल ये होगा क्या कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन उसके ऊपर अपनी स्किन या थीम चढ़ाकर ये जियो OS करके कुछ कहेंगे, मतलब कुछ ऐसा र्यूमर्स हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है ये लैपटॉप जिसके अंदर जियो का ही सिम लगेगा और उससे आप इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाओगे और कॉल भी कर पाओगे। तो ये अलग ही तरीके का लैपटॉप होगा जो कि शायद स्टूडेंट्स को देखते हुए बनाया गया है और उनकी नीड्स को देखते हुए उनको कहा जाएगा कि भैया ये लैपटॉप ले लो और अपनी स्टडी करो, इसमें तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बजट सेगमेंट में तो आपको पता ही है कि भाई जियो करता है क्या है कि रेट ही ऐसा लगा देता है कि सामने वाली जो कंपनी होती है वो सोचती है ये किया क्या इसने। दोस्तों बैन गुरियन यूनिवर्सिटी और इसी के साथ साथ वेजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर एक ऐसा बल्ब तैयार किया है जो कि बिल्कुल डिटेक्टिव जैसा बल्ब है, जो कि किसी के घर में भी लगा दिया तो आप दूर से अगर स्कोप लगा के उस बल्ब को देखोगे तो वहाँ पर वाइब्रेशन के थ्रू ये कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी बना रहा होगा जिसको डिकोड करके इनका जो लैपटॉप होगा इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बता देगा कि उस रूम के अंदर क्या बातचीत चल रही है। तो ये 100 फुट तक काम कर सकता है, मतलब 100 फुट की दूरी तक ये काम कर सकता है और डिकोड कर सकता है कि अंदर क्या बातचीत चल रही है विदाउट रिकॉर्डिंग द वॉइस। ये सिर्फ वाइब्रेशन लेगा और उससे ही फ्रिक्वेंसी कुछ बना देगा जिसको डिकोड किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके का बल्ब ही लगाना है तो रिकॉर्डिंग डिवाइस ही डाल दो उसमें। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मेरे को वीडियो डाली भी है।